आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमोरिलिन दवाई के बारे में, और इस दवाई की पूरी हम डिटेल इस वीडियो में समझेंगे कि किन कंडीशंस में डॉक्टर इसे उपयोग में लेता है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेमोरिलिन है, ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। देखिए, हर कंपनी अलग अलग ब्रांड की दवाई बनाती है, उसी में से ये एक ब्रांड है पेमोरिलिन। देखिए, इसके अंदर पाया जाता है ट्रिप्टोरिलिन। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, इस दवा का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है प्रोस्टेट कैंसर में किया जाता है। देखिए, जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज है वो बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है, तो उसकी गांठ बन जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए इस दवा का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है महिलाओं में, यूट्रस की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है यूट्रस के बाहर, तो इस कंडीशन में महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, तो इस कंडीशन में भी ट्रिप्टोरिलिन या फिर पेमोरिलिन दवाई का जो उपयोग है किया जाता है। इसके अलावा देखिए, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में, देखिए ये कंडीशन होती है जब प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लग जाती है बच्चों में, तो उसको डिले करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको लेट करने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है बच्चों में। देखिए, ये हमारे शरीर पर काम किस तरीके से करती है, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी। तो देखिए, ये जो दवाई होती है वो क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, उस पर काम करती है और गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन को कम करती है। देखिए, ये गोनाडोट्रोपिन के अलग अलग रोल होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, तो उसकी वजह से जो नुकसानदेह का प्रभाव होते हैं उनको ये दवाई रोकती है। देखिए, इसकी रिकमेंडेड डोज जो होती है डॉक्टरों द्वारा 22.5 mg जो होती है। इसके अलावा जो इसका इंजेक्शन लगता है, डिपोट इंजेक्शन जो है लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और इंट्रामस्कुलरली इसका इंजेक्शन जो है यूज़ में लिया जाता है। और देखिए, अकॉर्डिंग टू इसका जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो डोज है वो रखी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो इस दवा के देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, पसीना आना, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है देखने को मिल सकते हैं, इंजेक्शन साइट पे है रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर तकलीफें जो है देखने को मिल सकती है। देखिए, ये हार्मोनल दवाई होती है, कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल ही सकते हैं इस दवा के से, इसलिए इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर से अच्छे से सावधानी से लें, डॉक्टर की सलाह पर लें। और देखिए, अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकापेप्टाइल है, इसके अंदर भी पाया जाता है ट्रिप्टोरिलिन, और पेमोरिलिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी दवाई के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो पर जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।